खरगोन जिले में नगर पालिका जिसका नाम साफ सफाई के मामले में प्रदेश में नंबर वन पर चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ वार्डो में गंदगी इतनी फैली है कि आमजन का रहना दूभर हो चुका है। यहाँ एक ऐसा ही वार्ड क्रमांक 21 है जहाँ के रहवासी वार्ड में पसरी गंदगी से काफी परेशान है। इस वार्ड में मछली बाजार के व्यवसायी भी गंदगी से परेशान हो चुके हैं। इसी दौरान व्यवसायियों ने बताया कि गंदगी से ग्राहक कतराते हैं और उन्हें काफी नुकसान भी होता है। वही क्षेत्रवासियों के माने तो बार बार नगर पालिका को अवगत कराने के बावजूद समस्या जैसी की तैसी ही बनी हुई है। बहरहाल स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि कागजी आंकड़ों में आने वाले खरगोन के कई वार्ड आज भी सफाई के नाम पर सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। जी हां, गंदगी के समीप ही नगर पालिका द्वारा बनाए गए शौचालय भी हैं जहां पर सिर्फ गंदगी ही रहती है, साथ ही जिसकी कभी भी सफाई नहीं की जाती है, जिस वजह लोगों को काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही। ये सफाई भी नहीं होती है, नगर पालिका वाले उनको बोलते भी है तो वो बोलते कर जाएंगे, आते ही नहीं। दो तीन महीने से बोल रहा हूँ, पाँच साल हो गए बने इनको, इसको गंदगी की सफाई नहीं करते। अब सिटिंग बेचने कहाँ जाना, वहाँ जाना नदी पे तो नदी पे भगाते, घर पर मतलब शौचालय नहीं है तो बेचने कहाँ जाना। इसको बनने को कितने साल हो गए? पाँच साल हो गए। तो साफ सफाई करने आते ही बोलता हूँ नगर पालिका वालों को, भंगी उनको भी बोलता हूँ, साफ सफाई नहीं करके जाते। क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं हमारे घर पे शौचालय नहीं है तो शौचालय करने कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कोटे। कि ग्राहक कोई आता नहीं है गंदगी को देख के और ग्राहक से नफरत करते हैं, इसलिए हम पे उसमें वो हो गए और ग्राहकी चल नहीं रही है और हम ऐसे फंस भी बैठे रहते हैं। ये ग्राहक ये कचरे को देख के कोई गंदगी के कारण कोई नहीं आता। ये मार्केट कब से खुल गया आपका? ये महीने डेढ़ महीने से लगाया है, इधर अब उधर ही जाएंगे। अब यहाँ तो गंदगी की वजह से कोई आता नहीं। नगर पालिका में शिकायत करते हैं आप लोग? कोई नहीं करता, हमारी मर्जी से हम यहाँ बैठे हैं। नहीं, ये गंदगी को लेके शिकायत रोज लगा रहते साहब की गंदगी, वो जो पूरे वार्ड की गंदगी नाली की नहीं फेंक जाते साहब, इससे दुर्गंध आती है सब। खाने पीने भोजन में भी बहुत तकलीफ होती है साहब, और खाना पीना हमारा सर आराम हो गया साहब। मच्छी बाजार भरा गया साहब, पूरी दुर्गंध आती है। अब मार्केट में मच्छी व्यापारी भी परेशान है इस चीज़ से क्या साहब, अब इसे गंदगी में कौन आएगा, उन्हें कैसा व्यापार करेगा साहब। आप शिकायत करी थी नगर पालिका? मैं रोज दर वक्त आपको फोन लगाता हूँ साहब, एक दो बार में सीएमओ साहब को भी लगा है, वो इसको मतलब ये साहब को। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रियाज खान की रिपोर्ट, खरगोन मध्य प्रदेश। खरगोन जिले में सनावद रोड पर पलवाड़ी में करोड़ों की लागत से बनी सब्जी मंडी में व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। खरगोन से 8 किलोमीटर दूर पलवाड़ी में करोड़ों की लागत से मंडी का निर्माण हुआ, वहीं सर्वा सुविधा के नाम पर ढोल पीटे जा रहे थे। कहा जाए तो मंडी दूर होने से बड़े व्यापारियों से ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को हो रहा है, क्योंकि 8 किलोमीटर आना जाना जिसके कारण किराया अधिक लगता है और उन छोटे व्यापारियों की कमाई किराए में ही चली जाती है। ऐसे में व्यापारी अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और अपना जीवन कैसे यापन करेंगे। आपको बता दें विवाद को देखते हुए प्रशासनिक महकमे शहर के अनाज मंडी पहुंचा और व्यापारियों से इस बात को लेकर चर्चा की। वहीं इस मौके पर एसडीएम सतेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना काल के चलते मंडी का संचालन बलवाड़ी में ही रहेगा, जबकि सब्जी व्यवसायी महिलाओं ने बताया कि उन्हें 6 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, जिसमें निश्चित तौर पर जान माल का नुकसान होना तय है। इसी बात पर सब्जी व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है। मंडी की जगह शहर के समीप किसी जगह पर सुनिश्चित की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, आप अभी सब्जी मंडी में हंगामा हुआ था और आप लोग अभी किस मांग को लेकर यहाँ पे पहुँचे? हम सब्जी मंडी के लिए आए हैं और हम मांगरूल रहते हैं, हम 3 बजे रात से जाते हैं तो हमारे से वो मंडी संभलती नहीं, वहाँ नहीं तो हमको माल मिलता और भाई की जात को हमको डर भी लगता है। रात में पैसे ले जाते मंडी के लिए तो हमको डर भी लगते, चोर उनके चुट्टे उनके और कौन ले जाए, तो भी हम जाते हैं पाँव 3 बजे रात से जाते हैं, मांगरूल से उठ के आते हैं तो वहाँ जाते जूनी वलवाड़ी और वहाँ से हम आते तो वहाँ हमको कहीं माल मिलता नहीं। किसान क्या 400-500 रुपये भाड़ा भी लग जाता और किसान ऐसे माल महंगा देता है तो हमारी दाढ़ की मजदूरी भी नहीं निकलती, क्या बच्चे उनको खिलाना और क्या हमने खाना। और कि बहुत दूर मंडी है, हमको मंडी यहीं पे चाहिए, आसपास ये मंडी के, इतनी दूर नहीं जाएंगे हम। अगर शासन आपको मंडी नहीं देता है तो फिर रोड पे बैठेंगे, रोड पे बैठ के व्यापार कैसे कर पाओगे आप लोग? मूल समस्या क्या है, आप चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि थोक मंडी यहीं पे रहना चाहिए आसपास, इतनी दूर में ज्यादा दूर कर दी है ना हमको मंडी, वो ज्यादा दूर होने से हमको मंडी यहीं पर होना, ये गल्ला मंडी हम लेना चाहते हैंगे कि हमारे थोक सब दलाल भाई होनेंगे और साथी भाई उन सब्जी वाले जो भाई बहन उन सब है वो हमको यहीं, हमारी इच्छा है कि हमको यहीं देना चाहिए,
हमारा कहना ये है कि आपसे प्रार्थना है और हमारी पुकार आप सुनना। भैया मंडी बहुत दूर हो गई, हमारे साथ आदमी नहीं है, औरत की जाते हम कहाँ जाए, हमको परेशानी है, हमारे से सामान लाए दे रहे जाता है, हमको मंडी दूर पड़ती है, हमको मंडी इधर ही कहीं कहीं भी दे सकते हो जगह करके, यही यहाँ वहाँ कहीं पे भी दे, बाकी हमारे से वहाँ नहीं जवाते। रात में 3 बजे रात को हम मतलब की दूर जा रहा हो आप, आपको परेशानी क्या? ये लिया गया है कि सर बोल के गए हैं कि बलवाड़ी मंडी में लगाएंगे और हमारा बात का कोई जवाब नहीं लिया है, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमको या मेला ग्राउंड में दे दो, मेला ग्राउंड में व्यापार कर लेंगे या व्यापार नहीं करेंगे या हड़ताल पे बैठेंगे। ये समस्या आ रही थी, ये कोरोना काल में जो अपने नगर पालिका के आजू बाजू दो सड़कें हैं वहाँ परंपरागत रूप से थोक विक्रेता भी बैठते थे और खिर्ची वाले भी बैठते थे, वो लॉकडाउन जब लगा तो प्रशासन ने इनकी व्यवस्था बलवाड़ी सब्जी मंडी में करी थी। उसके बाद जैसे ही अनलॉक फेज 1, 2, 3, 4 हुआ तो धीरे धीरे जो वहाँ सब्जी विक्रेता गए थे वो धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होने लगे। आपने भी देखा होगा कि पिछले 15-20 दिन के अंदर में, महीने भर के अंदर में कोरोना की जो संख्या है आपके शहर में 70-80 की संख्या पर डे जा रही है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में बैठक हुई माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, उसमें निर्णय लिया गया कि जो बलवाड़ी में सब्जी मंडी हम लोगों ने शिफ्ट करी है उसको यथावत रखा जाए। उसी के तहत आज हमने थोक विक्रेता और खिर्ची विक्रेताओं को बुलाया था और उस पर चर्चा हुई और लगभग करीब करीब सब में सहमति बन गई है कि कोरोना संकट को देखते हुए हम लोग बलवाड़ी सब्जी मंडी में ही अपना व्यापार करेंगे। थोड़ा एक विरोधाभास है वो भी हम लोग दूर कर लेंगे। महिलाओं का कहना है सर। चलिए, टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए रियाज खान की रिपोर्ट, खरगोन, मध्य प्रदेश।